दिख रहा है ना फुल फेदर कटिंग कैसा दिखेगा, कैमून देखबे। ठीक है, ऐसा दिखेगा फुल फेदर। हाफ फेदर जो किया था सेमी करना है, ऐसा दिखता है। जैसे ये हाफ फेदर में सिर्फ सामने का कट करना था, फुल फेदर में पूरा कट होगा। पहले फोर सेक्शन निकालेंगे, फोर सेक्शन निकालने के बाद बैक का ये सेक्शन करना है। ए सेक्शन सिर्फ क्लैच करके रखना है, ठीक है। बाकी सारा सेक्शन को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद जैसे हाफ फेदर में कहाँ खड़े थे, सामने की तरफ, अगर स्पेस होगा तो सामने की तरफ, अगर स्पेस नहीं हुआ तो पीछे या साइड खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। सेम चीज मैटर करता है कौन सा, कि क्लाइंट का बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉक्स सेक्शन लेंगे। कौन सा बॉक्स, जीरो कौन सा बॉक्स? फ्रंट का बॉक्स। एंगल क्या है इसका? या तो अगर पतला हेयर रहेगा तो पूरा मिडिल आईब्रो से ले सकते हैं, अगर किसी का मोटा हेयर रहेगा तो फिंगर में नहीं आएगा बॉक्स सेक्शन, तो थोड़ा पतला सेक्शन भी ले सकते हैं। पतला मतलब फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग आईब्रो से, मतलब बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देंगे। अगर मोटा हेयर रहेगा, थिक हेयर रहेगा तो, अगर पतला हेयर रहेगा तो बॉक्स सेक्शन लेंगे, जितना होल्ड कर पाओ, ठीक है। दिख रहा है ना, इधर आओ ना, इधर दिखेगा। तो ऐसे गोल से खड़ा है तो हम किसी एक को ही दिखा पाएंगे ना। और हाफ फेदर किया है ना, हाफ फेदर और फुल फेदर में डिफरेंस क्या है? और कुछ, और कोई डिफरेंस, और कुछ, और कोई डिफरेंस, और कुछ नहीं बचा। पहला तो सेक्शनिंग का डिफरेंस हो जाएगा, कम हेयर कटेगा उसमें, सिर्फ सामने का है। उसमें क्लाइंट का सिर्फ सामने का काटना है, पीछे का बड़ा रखना है। जो बोला था पीछे किसी को अगर लेंथ बहुत बड़ा रखना है, कुछ नहीं करना है, या तो थोड़ा सा यू करना है या स्ट्रेट करना है, सामने का सिर्फ टच करना है या सामने का सिर्फ काटना है, तो वो फुल फेदर, हाफ फेदर हो गया। फुल में पूरे हेयर पे होगा, मतलब इधर देख रहे हैं ना, फ्रंट का 0 डिग्री, उसके बाद ये बैक का ए सेक्शन है। बैक का ए सेक्शन को 0 करना है, 45 करना है, 90 करना है, ठीक है, जो अभी तक इधर क्लैच किया होगा, ठीक है। तो बॉक्स सेक्शन लेंगे, बॉक्स सेक्शन लेने के बाद फ्रंट की तरफ 0 डिग्री में काम करेंगे, जो फ्रंट का 0 डिग्री है। कितना डिस्टेंस होगा फोरहेड और हेयर के बीच में? एक फिंगर का डिस्टेंस। इसका भी सेम रहता है जो पिछला फेदर में बताया था। क्या बताया था? चिन, नोज, लिप्स, मिनिमम। अगर किसी को बहुत बड़ा रखना है तो वो भी इसमें खास करके डिपेंड करता है, बैक का लेंथ। अगर सामने का शॉर्ट करेगा तो, क्योंकि मैं, यही मेरा गाइडलाइन है, तो ये वाला हेयर भी मेरा इसी गाइडलाइन से कट होगा। तो अगर किसी को शॉर्ट रखना है सामने का, समझ रहा है, शॉर्ट रखना है तो ये वाला बाल भी शॉर्ट होगा, क्योंकि ये गाइडलाइन से ये कट होगा, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरे को बैक का लेंथ बड़ा चाहिए, तो फिर ये वाला सेक्शन भी थोड़ा बड़ा रखना होगा। तो हम लोगों को फिर अलग से एक सेक्शन लेके, सिर्फ फ्रंट का जो हम लोग सेक्शनिंग में किया था ना, यहाँ पे यू सेक्शन, वी सेक्शन छोटा सा, ठीक है, तब वो वाला कट करेंगे अलग से। अगर इसका गाइडलाइन लेके पीछे का करेंगे तो ये वाला लेंथ भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लाइंट को बड़ा रखना है पीछे, तो सामने भी बड़ा रखना होगा। तो इसका बेसिक स्टार्ट होगा नोज लेवल, चिन लेवल से। पहले सेक्शन लेके ऐसे करके देख लेंगे कहाँ तक चाहिए, डिसाइड कर लेंगे, इतना काटना है, इतना काटना है। क्लाइंट बोलेगा हाँ ठीक है, बस उसके बाद फिर वापस काम करेंगे। कितना डिस्टेंस? और इसको गाइडलाइन, बाकी है तो साइड में रख दिया। क्या होगा, ये सेक्शन यहाँ से लेंगे, हाफ फेदर में यहाँ से लिया था, फुल फेदर में इसको यहाँ से लेना है। कॉम कैसे दिखाया था? सामने के तरफ, मतलब कॉम ऐसे नहीं होना चाहिए, कॉम को ये पूरा 90 डिग्री में कॉम चलेगा स्ट्रेट, कहाँ पे? सामने के तरफ। इसको कहाँ लेके आना है?
करेंगे, नीचे से होल्ड करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट मोस्ट लेवल पे लेके आएंगे, नोज पे आ जाएगा, ये दिख रहा है ना मेरा गाइड लाइन आलोक, ठीक है। वापस इसमें से क्या करना है, पूरा गाइड लाइन निकाला, बाकी हेयर को साइड रखा। अगर ये हेयर जैसे इधर पे गिर जा रहा ना, तो इसको सेंटर ये पे कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन ऑन लेंगे जो होगा हेयर के लेवल से, मतलब ये जो हेयर है इसके लेवल से लेंगे। तो कॉम करना है स्ट्रेट, अच्छा ये जो ये सेक्शन है इसको ना ऐसे ईयर के ऊपर से नहीं लेना है, जस्ट ईयर के टच करके ले जाना है। एक तो जैसे कि ये ईयर हो गया, इसको घुमा के ऊपर से ले जाना है, तो वो नहीं करना है, ये लेके आना, सिर्फ ईयर को टच करना है, मतलब कान के ऊपर रहेगा, इस वाले ऊपर नहीं जाना है, इसके ऊपर से जाना है, बट ईयर ऐसे प्रेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ टच करके सीधा ले जाना है। गाइडलाइन थोड़ा ही लेना है, ज्यादा गाइडलाइन नहीं लेना, ये तो सेक्शन बड़ा हो जाता है। पेशेंट हेयर को नोज लेवल ही लेने का था, चौथो हेयर बैक के नाचे सॉफ्ट नोज लेवल ले आस पास भी, ठीक है। ये बार फिंगर ऊपर से लेना है, जैसे लेफ्ट साइड फिंगर राइट साइड फिंगर नीचे से जा रहा था, इसमें फिंगर इस तरीके से फॉर्म करके इन साइड छोड़ना, ठीक है। इसमें ब्लो ड्राई होता है इन, ठीक है। फिर दोनों साइड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आएंगे ये लास्ट कट करेंगे, लास्ट में हेड को डाउन करने के बाद मिडिल से एक डिवाइड करेंगे, दो ये पूरा ए सेक्शन का मिडिल से एक डिवाइड किया, ऊपर वाला क्लैच किया, स्ट्रेट 0 डिग्री में देखो पहले क्या है 0 डिग्री, ठीक है। गाइडलाइन लेंगे दोनों साइड से, ये कहाँ पे कट हुआ है दोनों साइड वाला, सामने जाके दोनों को 0 डिग्री में गाइडलाइन लेके कट करेंगे। देखो ये गाइडलाइन है मेरा, इधर से ये गाइडलाइन है मेरा, अगर इसको नहीं काटेंगे तो क्या होगा, ये पूरा वी बन जाएगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद इस वाले सेक्शन को साइड में खड़ा होना है, कौन सा एंगल है 45 काटने के लिए ना साइड में आना होगा, ऐसे स्ट्रेट काउंट रहेगा क्लाइंट का, ठीक है। ये काम करेंगे, अगर क्लाइंट को तो ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, मतलब ज़्यादा बैक कट छोटा चाहिए, तो 90 में लेके जाएंगे, यहाँ पे दो एंगल लिखा हुआ 45 और 90। अच्छा अगर क्लाइंट को ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो क्या होगा, बाल छोटा होगा ऊपर का, अगर क्लाइंट बोला नहीं मेरे को बैक का लेंथ बहुत छोटा नहीं चाहिए, तो अगर छोटा नहीं चाहिए तो 45, ठीक है। अगर क्लाइंट को छोटा चाहिए वॉल्यूम चाहिए तो 90, अभी डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो कैसा चाह रही है, ठीक है। अगर छोटा चाहिए ऊपर का वॉल्यूम चाहिए तो 90 काट देंगे, अगर बड़ा चाहिए वॉल्यूम कम चाहिए तो 45 काटेंगे, तो हम काटेंगे इसका 90 में। जब कट कर रहे हैं तो कैसा है, साइड में खड़े हैं, हेड डाउन है, कॉम कर रहे हैं नीचे से, होल्ड कर रहे हैं ऊपर से, वो ये लेफ्ट हैंड से स्ट्रेट एकदम एंड में आएंगे, ये मेरा गाइडलाइन, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा हेयर निकालेंगे, ये हो गया मेरा गाइडलाइन, और ये एक सेक्शन को पूरा इसके साथ मिक्स कर लेना, इसको भी 90 में काउंट करेंगे ऊपर की तरफ, दिखा गाइडलाइन वहाँ से काट देंगे। सर 90 में काटने से बाल बड़ा रहेगा कुछ का, छोटा 45, ठीक है, बट इसमें ज़्यादा 45 कट होगा, अगर ज़्यादा 90 काट देंगे तो पीछे का हेयर ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, ये बड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर इसका 45 होगा, ठीक है। अगर किसी को वॉल्यूम नहीं चाहिए पीछे का तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा वन लेंथ करके छोड़ देंगे,
डन है। और इसके बाद फोर सेक्शन करेंगे और इसमें ब्लू रे करेंगे। अगर क्लाइंट का बाल पीछे से भी बड़ा चाहिए और सामने से छोटा चाहिए, इस गाइडलाइन से काटेंगे तो ये है छोटा हो जाएगा। ये अगर क्लाइंट को बड़ा चाहिए और सामने छोटा चाहिए, समझ रहे हैं? तो वो एक जो सेक्शन दिखाया था ना, वी किया था, कंट्रोल किया, ये छोटा वाला सेक्शन किया था, फ्लेक्स सेक्शन भी तो बोलते हैं, वही सेक्शन लिखा होता है, फ्लिक्स। वो सेक्शन को लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा सेक्शन लेंगे, फ्लिक्स। इसको लॉक्स भी कहते हैं, लॉक्स काटना। इसको जीरो डिग्री में काउंट करेंगे। अगर क्लाइंट को चाहिए कि नोस लेवल से काटना है तो नोस लेवल से काट देंगे, ठीक है? अभी इसको फिर साइड पार्टिंग कर देंगे, पार्टिंग करे तीन लो टाइप करे, दो करेगा।